बलियापुर थाना परिसर में शुक्रवार को बकरीद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन सिंदरी इंस्पेक्टर जगदेव पाहन तिर्की की अध्यक्षता में किया गया। अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने कहा कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दे और ना ही अफवाह फैलाएं। थाना प्रभारी ने बलियापुर में हो रहे चैन स्नेचिंग की घटना को लेकर विशेष चर्चा किया गया, साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर रफीक अंसारी, अल्ताफ अंसारी, सैलेन मंडल, अनवर अली खान, मुश्ताक आलम, शेख अब्दुल, संगीत बजाय, समीर मुर्मू, गणेश महतो, विजय रजक, नयन ठाकुर, उत्तम चौबे, गंभीर दास सहित कई मुखिया पंसस मौजूद रहे। के द्वारा खासकर शांति समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष के जाति भाईचारे सौहार्द पूर्वक बकरीद मनाने का निर्णय लिया गया और कोई भी यदि अपवाद होता हो, रूमर यदि आता है तो लोग भी अपने सजग होकर इसको रोकने का कार्य करेंगे और हम लोग को भी सूचित करेंगे। किन किन बिंदुओं पर कॉल किया गया? खासकर जो हम लोग पहले तो सब जो बकरीद जो मनाया जाएगा उसके लिए नमाज जो अदा की जाएगी उसके समय और स्थान डिसाइड किए हम लोग और जो डायरेक्शंस हैं कि शांतिपूर्वक मनाया जाना है ये त्यौहार सर, किसी प्रकार की अगर घटना होती है या उपद्रव होता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, गत वर्ष की भांति या पिछले वर्षों को देखा जाए तो बीजापुर में उस तरह की आज तक कोई घटना नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 10 तारीख को बकरीद मनाया जाने वाला है उसमें भी इस तरह की घटनाओं की संभावना बहुत कम है। एक अहम बात सामने आई है सर कि बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान में पंचायती राज मंत्री ने आदेश जारी किया कि कोई भी प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन एक बात यहाँ पुटअप हुई है ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, तो फिर प्रमुख के प्रतिनिधि क्यों आ रहे हैं इस जगह पर, प्रमुख क्यों नहीं आ रही है? प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग दर्शन दिए हैं कि आप लोग भी आइए तो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भी साथ में लेकर आने के लिए हम लोग के द्वारा आदेश दिया गया।